हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, क्या हाल है आप सब के, कैसे हो आप सब? तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज रात को जो है हमारा 12 बजे इंक्यूबेटर आ चुका है और यहाँ पे बहुत ही मस्त वाली जो है MP40 की स्किन आई है न्यू इंक्यूबेटर में। देख सकते हो यार, ये येलो भी कह सकते हैं और इसे गोल्डन भी कह सकते हैं, बट है यार एक नंबर की स्किन है। मतलब यार इसे देखते ही ना, मतलब सोच लिया था जब इसका पहला एक लीक देखा था मैंने, सोच लिया था भाई लेनी है, इसमें से कोई भी जो भी बेस्ट होगी वो लूँगा। तो गाइस, यहाँ पे चार कलर है और चारों की अलग अलग एबिलिटी है, ठीक है। चारों में कुछ अलग है, जैसे कि डैमेज, एक्यूरेसी, रेंज, ठीक है, रेट ऑफ फायर, सब में अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे चार कलर है, चारों अलग अलग है। अगर आप लोगों को ये MP40 लेनी है, आप लोग सोच रहे हैं लेने का, तो गाइस कलर के ऊपर जाके मत लेना, ठीक है। मानता हूँ कि कलर की वजह से भी लुक अच्छी आती है, तो लुक्स पे मत जाओ, थोड़ा सा जो है इसकी एबिलिटी भी देख लेना। तो गाइस, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 MP40 की स्किन जो है परमानेंट पड़ी है, जिसमें से लेजेंडरी वाली भी है, जो कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी है यहाँ पे। यार UMP की तो 10 स्किन पड़ी है, मतलब कसम से क्या करूँगा इतनी स्किन का मैं, कभी एक्सचेंज आइटम आएगा ना तो किसी को दे ही दूंगा। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो है यहाँ पे ब्लडी गोल्ड MP40 की यहाँ पे स्किन है, जिसकी रेंज अप है, डबल एक्यूरेसी अप है इसकी, ठीक है, रिलोड स्पीड डाउन है इसकी, और यहाँ पे मैकेनिकल वाली है, इसका डबल डैमेज अप है, रेंज भी प्लस है इसका, रिलोड स्पीड इसकी 1 डाउन है। ओके, डबल डैमेज अप टॉप गेमर वाली और रेंज सिंगल डाउन। तो गाइस, जो मेरे पास ऑलरेडी है वो मैं नहीं लूँगा, है ना, जो मेरे पास ऑलरेडी MP40 पड़ी हुई है, बस डबल एक्यूरेसी भी है, डबल डैमेज भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास यहाँ पे रेट ऑफ फायर वाली MP40 नहीं है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपके पास रेट ऑफ फायर वाली नहीं है या फिर डबल डैमेज नहीं है, तो आप वो वाली जो है लेना, ठीक है। कलर के ऊपर मत जाना, मैं पहले आपको बता रहा हूँ फिर से, ठीक है, कलर के ऊपर जाके मत लेना। तो यहाँ पे ब्लू वाली का रेट ऑफ फायर अप है और डबल मैगजीन भी है, तो ये मनियाक MP40 जैसी है, जो मनियाक MP40 आई थी वैसी आई ये। ओके, रेड वाली तो यार मैं मतलब नहीं लूँगा, क्योंकि रेड वाली में जो है वो सेम टू सेम लूनर जैसी है, ठीक है, जो लूनर वाली में बस पड़ी है ब्लडी गोल्ड वाली, सेम टू सेम वही है, उसमें डबल एक्यूरेसी है। ओके, तो यार यहाँ पे ब्लू वाली मैं लूँगा, सोच रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक ब्लू प्रिंट लेने के लिए 3 एवोल्यूशन स्टोन चाहिए पिछले इंक्यूबेटर के, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं यहाँ पे, तो मैं एक्सचेंज करूँगा इसके साथ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज कर लिया, ऑलराइट, और यहाँ पे एक ब्लू प्रिंट मुझे मिल चुका है, ठीक है गाइज। देखो यहाँ पे कलर्स के ऊपर अगर आप जाते हो ना कि हाँ येलो गोल्डन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो निकाल लूँ, तो आपके डायमंड बहुत वेस्ट होंगे, ठीक है, जो सीधी बात है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखोगे ना कि कौन सी बेस्ट है, मुझे कौन सी चाहिए, तो यार रेट ऑफ फायर अप है इसका, डबल मैगजीन भी है, ठीक है, रेंज थोड़ी इसकी 1 डाउन है, और मैं बता रहा हूँ हमें तो क्लोज रेंज में यूज़ करनी होती है, ठीक है, दूर वालों के लिए तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्समेट स्कार यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ब्लू वाली जो MP40 है ये परफेक्ट है, एक नंबर है ये वाली MP40, ठीक है। और इसके सिवा अगर आपको लेनी हो ना, तो ग्रीन वाली लेना, सही बता रहा हूँ, जो ग्रीन वाले में है ना वो डबल डैमेज और रेंज, वो मेरी मैकेनिकल में पड़ी हुई है और मैकेनिकल वाली भी मेरे पास परमानेंट है, तो मैंने ग्रीन वाली नहीं ली, अदरवाइज मैं ग्रीन वाली निकाल लेता। तो गाइस, जो मेरे पास नहीं थी, ठीक है, मेरे पास ब्लू वाली रेट ऑफ फायर वाली नहीं थी, तो मैंने रेट ऑफ फायर वाली ले ली है। ओके, अगर आपके पास रेट ऑफ फायर वाली नहीं है तो आप ये वाली ले लो, ये आपको एक ब्लू प्रिंट और 2 एवोल्यूशन स्टोन में मिल जाएगी। ओके, अगर आपके पास डबल डैमेज नहीं है तो आप डबल डैमेज वाली ग्रीन वाली भी ले सकते हो, ठीक है। और डबल एक्यूरेसी वाली तो मैं बोलूँगा कि रहने देना, लेनी है तो ब्लू ले लेना, ग्रीन ले लेना, या फिर अगर आपको ज़्यादा ही बढ़िया या आपको ज़्यादा ही लक आपका अच्छा चल रहा है और आपको ब्लू प्रिंट बहुत सारे मिल जाते हैं, एवोल्यूशन स्टोन आपके पास ज़्यादा पड़े हैं, तो आप येलो वाला को या फिर वो गोल्डन जो भी है, गोल्डन भी कह सकते हैं, गोल्डन वाली आप ले सकते हो, ठीक है। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि स्केटर बंडल जो है लड़की का फीमेल वाला, वो यहाँ पे फ्री मिल रहा है। अगर आपने अभी तक ये टास्क कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीट करो, और पूरा का पूरा बंडल मिल जाएगा आपको ये फ्री में, ठीक है, फीमेल स्केटर बंडल है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है क्लैश स्क्वाड या बॉम्ब स्क्वाड खेलना है, ठीक है, और वहाँ से जो है आपको ये सकुरा टोकन मिल जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। मैंने कंप्लीट किया ये एक ही दिन में,
ठीक है, तो ये देखो मैंने पूरा बंडल जो है आपके सामने यहाँ पर रिडीम किया है। तो गाइज क्लासिक और रैंक काफ़ी बड़ा हो जाता है मैच खेलने में, तो आप क्लैश स्क्वाड एंड बॉम्ब स्क्वाड जो है खेल के ये वाले टोकन्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलो यार फीमेल स्केटर बंडल ले लिया तो एक बार पहन के भी देख ही लेते हैं किसे पहनाऊँ। कैली को नहीं यार, कैली को तो नहीं पहनाऊँगा, इसकी जगह कोई और जो लेवल अप किया हुआ है किसका, मिशा, मिशा नहीं है, शानी है। हाँ तो ये भी भाई बंदी मस्त है, इसकी एबिलिटी भी एक नंबर है। वाह यार भाई इसके भी जूते मस्त है यार, ड्रेस भी अच्छी है नो डाउट, पर जूते भाई एनिमेटेड एक नंबर, जूते बहुत बढ़िया है इसके, जूते तो यार एक नंबर लगे मेरे को। बट मैं फीमेल कैरेक्टर लेके यार ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, बहुत कम खेलता हूँ मैं। सो गाइस आपको मेरी चॉइस कैसी लगी, मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा MP40 इनक्यूबेटर के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी जो है ये इनक्यूबेटर वाली MP40 ले चुके हो तो कौन सी ली है भाई बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।